मैसेल्फ रंजीत सिंह, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम। आज हम स्टडी करने वाले हैं इस एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, आओ सीखने की कोशिश करते हैं। कॉर्डेटा का मीन्स होता है कि कॉर्डेटा टर्म कहाँ से आया, नोटोकॉर्ड से आया। नोटोकॉर्ड मीन्स ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो क्या होंगे, मीन्स कॉर्डेट्स होंगे। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको बात को समझनी। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड में एनिमल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल को मूवमेंट करने के लिए, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मीन्स कॉर्डेटा के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसके अंदर क्या मिलती है, नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। नोटोकॉर्ड के साथ साथ डोर्सल साइड में हॉलो एक खोखला नर्व कॉर्ड मिलती है, मीन्स डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलेगी। और क्या मिलेगा इसमें, पेयर्ड गिल स्लिट्स या फिर लंग्स मिलती है। कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं इनकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सबसे एडवांस एनिमल्स कॉर्डेट्स आते हैं, सबसे एडवांस जो एनिमल्स हैं सारे कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है, मीन्स आर्टरीज और वेंस इसके अंदर पाई जाती हैं। फाइलम कॉर्डेटा को आगे डिवाइड किया गया सब फाइलम के अंदर। सब फाइलम कितने हैं, तीन हैं। किस बेस पे, कि नोटोकॉर्ड उस एनिमल की लाइफ में कब बनी और कितना टाइम रही, इस बात को आपको समझना है। कब बनी और कितना टाइम रही, इस बेस पे तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रेजेंट रहती है लार्वा की टेल में, जो लार्वा होता है लार्वा की टेल में मिलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, मीन्स डिसअपियर हो जाती है। जैसे एग्जांपल क्या है, एसीडिया, सेल्पा सल्पा, इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्ट। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा टूनिकेटा इसे कहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहती है नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक। इसका जो लार्वा होगा, लार्वा में हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रांचियो स्टोमा, क्या एग्जाम्पल, ब्रांचियो स्टोमा। अब दोनों को कंबाइन, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर एक ही नाम से पुकारते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। तीसरा जो सब फाइलम है, दैट इज द वर्टिब्रेटा, जो सबसे एडवांस हम देखते हैं एनिमल्स, वर्टिब्रेटा। इसमें क्या है कि लाइफ, पूरी लाइफ इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, इस बात को समझना है। नोटोकॉर्ड कब बनती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब इम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से जब इम्ब्रियो बनता है उस समय नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। बाद में जब एडल्ट होता है, एडल्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किसकी, इसकी जगह पर क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है एडल्ट के अंदर। जैसा कि आप देखते हो कार्टिलेज का हो सकता है या फिर बोन्स का हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम। हमारे बॉडी में देखो आप कितनी बोन्स हैं, वो सारी किसके, पहले नोटोकॉर्ड बना था, नोटोकॉर्ड के बाद ही वो डेवलप होता है, एडल्ट में चीज जाती है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, एक यहाँ पे एक लाइन है, एक सेंटेंस है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स वो सारे कॉर्डेट हैं बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट पाया जाता है पंप करने के ब्लड को। हार्ट कैसा हो सकता है, मस्कुलर हार्ट होता है जो कि 2, 3, 4 चैम्बर के साथ देखने को मिलता है। किडनी होती हैं, किडनी एक्सक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बॉडी को मूवमेंट के लिए, चलने के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं जिसमें कि
फिंस और लिम्स देखने को मिलती हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स में फिंस मिलेंगी, जो टेरेस्ट्रियल होंगे या फिर एयर जो एयर में होंगे उनमें क्या मिलेगी, लिम्स मिलेगी देखने को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वर्टिब्रेटा के जो क्लासेस हैं इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।